हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिलन शर्मा है। मैं 2007 आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट हूँ। अभी मैं इंटेलो लैब्स स्टार्टअप का सीईओ हूँ। मुझे 13 साल का डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई एक्सपीरियंस है अक्रॉस डिफरेंट कॉर्पोरेट्स एंड प्रोफेशनल कंपनीज। आज मैं आपके साथ कुछ एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टिप शेयर करूंगा जो मैंने अपने प्रिपरेशन जब मैं राजस्थान में प्रिपेयर कर रहा था कोटा में तब फॉलो करी और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ उसका। पहली चीज़ जो है वो कामनेस ऑफ द हेड पे है, तो ठंडे दिमाग से और शांत दिमाग से आप प्रिपेयर करें बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ था। पहला, पर्याप्त स्लीप लेना, आप आराम से और ढंग से पूरी तरह कम से कम 8 घंटे सोएं। कई बार हम ज़्यादा प्रिपेयर या ज़्यादा मेहनत करने के चक्कर में बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं और पूरी नींद नहीं हो पाती। इससे आपकी मेंटल एबिलिटी और आउटकम पे बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा, पर्याप्त ब्रेक लें, फ़ोन पे अपने दोस्तों से बात करें, अगर पॉसिबल है तो बाहर खेलने जाएं, और थोड़ा माइंड ऐसा भी टाइम होना चाहिए जहाँ पे आप पढ़ाई के बारे में नहीं सोच रहे। और ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके कंट्रोल में जो है वो है सिर्फ तैयारी करना। तो आप अच्छे से तैयारी करिए और ज़्यादा विचार नहीं करिए कि आउटकम क्या होगा। आप ये ध्यान दीजिए कि तैयारी कैसे कर सकते हैं, और एक स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग करने की स्ट्रैटेजी अपनाई थी। जो विषय या जो सब्जेक्ट या चैप्टर्स या टॉपिक्स जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग अच्छी है उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। हर चीज़ में एक्सपर्ट होने की कोशिश नहीं की, तो एटलीस्ट जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं एटलीस्ट वो सवाल आप लोग अच्छे से कर पाएं। और तैयारी करिए, टेस्ट करिए, खूब बार आप टेस्ट देते हैं तो आपकी प्रैक्टिस होती है, प्रेशर टेस्ट करने की भी प्रैक्टिस होती है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप अगर फॉलो करेंगे तो काम हेड के साथ आप, मुझे लगता है कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। थैंक यू।